मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास एट्थ में समदर्शी भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। समदर्शी भिन्नार्थक शब्द किनको कहते हैं? समदर्शी यानी जो देखने में समान हो, भिन्नार्थक जिनका अर्थ भिन्न हो, उन्हें हम समदर्शी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में तथा पढ़ने में समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द समदर्शी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए अब हम यहाँ पढ़ेंगे। चिर मतलब देर या पुराना, चीर मतलब वस्त्र, तरंग लहर, तुरंग घोड़ा। अब आप देखिए यहाँ चिर और चीर, तरंग और तुरंग, ये लिखने में, बोलने में और दिखने में भी एक जैसे ही लगभग दिखते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे यहाँ दिया जलद का क्या हो गया? कमल, और जलद का बादल। दिन दिवस, दीन गरीब, नीर पानी, नीड़ घोंसला, नियत निश्चित, नियत इच्छा, परिणाम नतीजा, परिमाण मात्रा, प्रसाद मंदिर का प्रसाद या कृपा, प्रासाद महल, मूल जड़, मूल कीमत, राज शासन, राज रहस्य, जरा बुढ़ापा, जरा तने। ठीक है ना? अब इस तरह से आप नेक्स्ट आ जाइए। समान बराबर, सामान सामग्री, सम्मान आदर, सूत पुत्र, सूत धागा, बाहर भीतर का विलोम, बहार रौनक या फल फूल की बहार, हंस पक्षी, हंस हंसना, योग जड़, योग लायक, शाम संध्या, श्याम सांवला या कृष्ण पक्ष, कृष्ण टाइप के कलर का, पका पका हुआ, पक्का मजबूत, शस्त्र हथियार, शास्त्र कोई भी धार्मिक ग्रंथ। ठीक है ना? इस तरह से आप समदर्शी भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे और सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके।